हेलो फ्रेंड नमस्कार। मैं जो मेरा एक श्रृंखला चल रही है, प्रेरणादायी कुछ श्लोक हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी पॉजिटिव होती हैं और कुछ अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि हर एक वीडियो हर एक आदमी के लिए अच्छा नहीं होता। ये बात सही है, ठीक है। जो व्यक्ति बिल्कुल भूखा है ना, नौकरी वोकरी नहीं है, उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अध्यात्म की बातें हैं, ये सच है। जिसका पेट पूरा भरा रहता है भजन, उसी को अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें हैं जो किसी बेरोजगार व्यक्ति को बताएंगे तो काफ़ी ख़राब लगेगा, यार मेरे पास तो नौकरी नहीं, खाने को दाना नहीं है, बातें बड़ी बड़ी, वो क्यों सुनेगा। ये जो वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पेट में भोजन है, खान पान है, घर में बढ़िया है, अध्यात्म की बात सो सकता है, श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है, श्लोक कोट कर सकता है, गीता जी पढ़ सकता है, अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं जिसके पास, उनके लिए है। और उनके लिए हैं जिनके पास बहुत धन होने के बाद भी वो सुखी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हाव 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 लगे हुए हैं, है ना। और सेठ जी काफ़ी परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं, ठीक है ना। जिनके घर में खाने को नहीं है उनके लिए नहीं है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनली देखना तो सबको है, जिसको जो लगे देखे, लेकिन मैंने बता दिया कोई गरीब आदमी है ना, कहते कि मेरे पास तो खाने को दाना नहीं है। यार आप बोलते हो पदम पदम विद्याम, कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद कैंटो फर्स्ट अध्याय 8 और 25वें श्लोक में बात आती है। अध्याय 25 में कुछ श्लोक हैं जिसमें एक श्लोक आगे बताऊंगा। विपदाएं आती है तो आए, महारानी कुंती कहती हैं, तो महारानी कुंती की शिक्षाएं के नाम से काफ़ी जो एस्कॉन के लोग हैं या श्रीमद् भागवत से प्यार करने वाले लोग हैं, संत समाज है, अध्यात्म का समाज है, धर्म का समाज है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इस श्लोक को कोट करते हैं। क्या है श्लोक, आगे चलते हैं। विपदाएं आती तो आए, विपदः संतुतः सस्वत सस्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत स्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियाँ फिर आए जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। ये श्लोक सिर्फ उनके लिए है जिनके पेट में खाना है, सब कुछ मिल रहा है। भैया हम या आप ये बात नहीं कह सकते कि फिर विपत्ति आए, मरना है क्या, खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ संत लोगों के लिए है, अध्यात्म में रुचि लेने वालों के लिए है कि मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्ति फिर आए जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु को देखना पड़े। भगवान कृष्ण से कहती हैं कुंती महारानी, ये आध्यात्म की बात है, ये धर्म की बात है, धर्म से प्यार है उन लोगों के लिए। देखो धर्म से जिसको प्यार है वो भूखा रह के भी अपनी आस्था से डिगता नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरे मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव आएंगे जरूर। अब चलते हैं आगे। मैंने ये बोला कि सुख दुख आते जाते हैं, भाई सुख दुख तो आना जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको एक दिन सुभाषिनी का श्लोक भी बताया था कि ये चक्र जो है परिवर्तित होते रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है ना, अप डाउन अप डाउन। उम्मीद बनी रहती है जीवन में, आज निकल यार मेरी स्थिति सुधरेगी। तो आगे श्लोक जो है वो गीता जी का श्लोक है, मात्रा स्पर्शा तू कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख आगम पायनी अनित्यतान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व रहो मतलब सहन करो। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जो सुख दुख से विचलित नहीं होता वह निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। आगे एक श्लोक में और लिखा गीता में, श्लोक 2:15 में, जो सुख दुख से विचलित नहीं होता यह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। तिथि छस्व मतलब सहन करो। आगे श्लोक 9:14 में लिखा, सतत कीर्तनते भगवान का नाम लिखते लो, कलो हरि कीर्तन, हरिर नाम केवलम। इस दुनिया में भगवान का नाम के अलावा कुछ नहीं है, और नाम जप की ही महिमा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अब बेरोजगार आदमी के पास ये श्लोक कहेंगे तो इतने जूते मारेगा ना, सब मुंह तिरछा कर देगा कि हमको तो खाने को नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हो कि सहन करो, सुख और दुख आते जाते हैं। तो ये इसलिए मैंने बोल दिया था कि ये जिसके पेट में भोजन है, ठीक है, जिसका बड़ा सा मठ है और सरकार की बढ़िया सी बहुत सारी बड़ी जमीन ही एक्वायर कर लिया है और पंडे पुजारी लगे हैं, पैसा आ रहा है, भगत पैसे दे रहे हैं, दूसरे के दान से मस्त पल रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है।
और मजदूर आदमी तो मेरे को बहुत सुन के गाली देगा, ये आदमी पागल हो गया, बोले अनसाइंड वीडियो बनाता है। आगे फलदीपिका में लिखा है, फलदीपिका एस्ट्रोलॉजी की बुक है, ठीक है, ये किताब जो है उसके लिए है, ज्योतिषियों के लिए। क्या लिखा है? फलदीपिका गोचर फल अध्याय 26:50 में, श्लोक नंबर अध्याय 26 श्लोक 50, अहिंसकस्य दान्तस्य धर्माजित धनस्य चा सर्वदा नियमितस्य सदा सानुग्रह ग्रह। जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है, अपने मन और आचरण पर संयम रखता है तथा धर्म मार्ग से धन उपार्जन करता है और सर्वदा शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पालन करता है, उस पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं। देखो, एक आशा है, एक पॉजिटिविटी है, एक उम्मीद है, इसके सहारे ही हम आदमी बढ़ते हैं। तो भी मैंने ये श्लोक, चाहे तो बिल्कुल भुक्कड़ भाई किले में घर जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी मैं हो सकता था, लेकिन मैं साफ मना कर दिया है, मैं गरीब लोगों को, भूखे लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं है, फालतू की बकवास नहीं करूंगा। उन लोगों के लिए तो मैं ये कहता हूँ, भैया अपना दुखड़ा कहीं मत रो, मनुष्य को उद्योग उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए, टिटेरी देखो समुद्र से लड़मरी, काम करो, काम ही करोगे तभी आपको नौकरी पानी मिलेगी। जिसका काम छूट गया, एक कंपनी ने काम छोड़ा दी, एक कई प्राइवेट कंपनी फटाफट काम से निकाल रही लोगों को आजकल, बोलती है वो एस्ट्रोलॉजर संपर्क करता है। अब एस्ट्रोलॉजर बोलेगा क्या बताऊंगा मैं उसको, मैं उसको बोलता हूँ देखो डेली इंटरनेट पे बैठो, अपनी कंपनियों का पता करो, कहाँ खाली पद है वहाँ पे भरो, मेहनत करो, जाओ तो काम मिलेगा, ठीक है, बकवास से नहीं मिलेगा, वीडियो देखने से काम नहीं मिलेगा। तो मनुष्य को उद्योग उत्साह का नहीं छोड़ना चाहिए, अपना दुखड़ा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये महाराज ओशो ने बोला कि यार अपनी नेगेटिविटी, यार अपनी बुरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, यार मेरा तो ऐसा हो गया, पत्नी ये है, बच्चा वो है, नौकरी नहीं है, मेरे साथ ही होना था क्या, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अपने भाग्य को कभी गाली मत दो, आपके भाग्य ने आपको जिंदा रखा, आप उसी भाग्य से पले बड़े, नौकरी की यहाँ तक पहुँच गए हो आप, और अचानक 20 साल 30 साल 40 साल बाद करियर में कोई नेगेटिविटी आ गई तो अपने भाग्य को गाली देने लगते हो आप। तो अपने भाग्य को कभी नहीं कोसना, आपका भाग्य सबसे अच्छा है, आपको उद्यम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म से आपकी तरक्की हो जाएगी। तो ये चीज उद्यमियों के लिए भी है, और कई बार ये आध्यात्मिक लोग हैं, अत्यधिक आध्यात्मिकता में उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अनजस्ट हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो भैया सुख और दुख दुनिया में आते जाते रहते हैं, ऐसे थोड़ी यार, यदि आपको सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा, प्रकृति का नियम है ये, ये जो चक्र है ये परिवर्तित होता रहता है। सुभाषतीनी, सुभाषित रत्नाकर एक ग्रंथ है, जैसे कि अपनी शुक्रनीति होती है, इसी टाइप के ग्रंथ है, बड़ी प्रेरणा देने वाले ग्रंथ है, काफ़ी मज़ा आता है इनको पढ़ने से, ठीक है। तो वो इसमें से मैंने ये श्लोक निकाला था। आगे, मनुष्य को उद्योग और उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सी बात आपको स्पर्श कर जाए और आप अपने काम पर निकल पड़ो और वापस ना लौटो, खूब तरक्की करो, तो किसी भी स्तर पे अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और अपने मन की नेगेटिविटी तो कभी नहीं बताना चाहिए। यदि तुम्हारे साथ कोई अनजस्ट हुआ है, गलत हुआ, तो उसको नाटकबाजी ना करो। आदमी क्या जाता है, सिंपैथी गेन करना चाहता है, और सिंपैथी गेन करने के चक्कर में दगे दगे अपनी कहानी बताता रहता है, यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई यार, आपकी नौकरी चले गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आपके साथ पति पत्नी झगड़ा हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो लोग क्या आपकी हंसी उड़ाते हैं और मजे लेते हैं, तो आप मत करो यार, ठीक है, प्रैक्टिकल बनो, मत बताओ, अपने काम पे ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। टिटेरी का देखो, टिटेरी समुद्र से लड़ लिया, कहानी है, किसने देखा नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी प्रेरणादायी है। तो कई बार जो व्यक्ति हताशा के में जाता है, क्या है कि अभी एक लड़का मुझे फ़ोन किया था बिहार से कि सर आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये सब सीरीज चालू करी है। अबे साले आत्महत्या क्यों करेगा, काम धंधा कर भाई, तेरे पास तूने लाया क्या था, क्या खोया था। अब वो कार्ल मार्क्स बोलते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए पूरी दुनिया है, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी, खोने को कुछ नहीं है। अब मैं आज के डेट में इस देश में कार्ल मार्क्स का नाम लेने वाले को लोग गाली देते हैं, वो प्रेरणादायी बात थी, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी, खोने के लिए कुछ नहीं है। देखो, जहाँ से प्रेरणा मिल जाए, ओशो से मिल जाए, कार्ल मार्क्स से मिल जाए, या सुभाषित रत्नाकर से मिल जाए, या कुंती महारानी से मिल जाए, या भगवान कृष्ण तो कह ही रहे हैं गीता में, ना सुख है ना दुख है, अर्जुन को समझा रहे चक्कर मत पड़, कायर आदमी झगड़ कर ये लड़ाई लड़, है ना,
तो ये सब चीजें आपके लिए प्रेरणा बनती है, और यदि आपको ये मेरी श्रृंखला अच्छी लगती होगी तो आप लोग जरूर बताइए। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये श्लोक मैंने भूखे भिखमंगे गरीब लोगों के लिए नहीं है। ओशो महाराज कहते हैं ये धर्म गरीबों के लिए नहीं है, जिसके पास पेट में खाने को नहीं है उसको क्या धर्म से लेना देना, जिसके पास पर्याप्त खाने को है, ठीक है, बड़े बड़े आश्रम में पले हैं, बैठे हैं, आराम से रह रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, शाम को भूख सभी साधुओं को लगती है, कोई खेचरी मुद्रा वाला नहीं बचा अब, ठीक है। कुछ हमारे संत थे जैसे कि देवरा बाबा, जैसे खेचरी मुद्रा थी उनके बाद भूख ही नहीं लगती थी, ऐसी जीभ को पलटाते थे अमृत प्राप्त हो जाता था। आपके ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इस देश में खेचरी मुद्रा का प्रचार हो जाए, तो कम से कम ये बेरोजगारी से लोगों का टंटा टूटे, यार शाम को भूख ही नहीं लगेगी तो क्या टिकल, खेचरी मुद्रा का योग कर लो, भूख नहीं लगेगी, अमृत प्राप्त हो जाएगा, और जो हमारी भूख खत्म हो जाएगी तो हमें शांति मिलेगी। तो ये मैंने कुछ ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरा लगेगी, क्योंकि इस देश के लोग हैं लकीर के फकीर। जैसे ही आप ओशो को नाम लिए तो नास्तिक है, काल मार्क्स कर ले तो वामपंथी है, और यदि कहीं चार्वाक के बारे में बोल दो तो ये तो राक्षस ही है साहब, ठीक है। लेकिन आज भी ओशो ने जो जो बात बोला, एक एक चीज 100% सच हो रही है, और आज ओशो महाराज इस बात कह देते तो लोग तो जिंदा जला देते, क्योंकि अब तो लोग सुनना ही पसंद नहीं करते, है ना। अब तो आपके ऊपर स्टिकर लगा देंगे, आप ये विचारधारा के हो, आप उस विचारधारा के हो। आज कबीर नहीं बोल पाएगा यार, कबीर महाराज के जो दोहे पढ़े तो लोगों को कष्ट होने लगे हैं, तकलीफ होने लगी है, बोले सत्य है। जो इंसान सत्य नहीं सुन सकता उसको कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। अरे उसको कुछ ही प्राप्ति नहीं होगी जिसने सत्य से मुंह मोड़ लिया। कुछ ही तो श्लोक थे बृहस्पति महाराज के, कुछ इस लिटरेचर था चार्वाक का, कहाँ खत्म हुआ। कोशिश करे लोगों ने खत्म करने के लिए, हुआ नहीं, नहीं हुआ, आज भी चार्वाक है, लोग मस्त खाओ पियो ऐश करो एंजॉय करो वाला बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी, श्लोक थी जो आपको बताया है। उम्मीद है और भी ऐसा बहुत सारा कलेक्शन है हमारे शास्त्रों में जो काफ़ी दमदार है, उससे हमको सीखने की प्रेरणा मिलती है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कोई भी धर्म का आदमी पढ़े, कहीं धर्म ही नहीं, गीता ऐसा धर्म श्लोक ग्रंथ है जिसमें कहीं धर्म का नाम ही नहीं लिखा है, किसी धर्म की नहीं है। आप जिस पढ़ो, कुछ लोग तो प्राइवेट कंपनी के लोग अपनी कंपनियों में गीता का के श्लोक की ट्रेनिंग देते हैं, वो एचआर वाले यही काम करते हैं, मोटिवेशन का काम देते हैं, ठीक है, और कंपनी उनको जो मोटिवेटर उसको पैसे देता है, ठीक है भाई। यू कैन विन हम पढ़ते हैं, कंपटीशन वाले यू कैन विन, अरे अरे आप गीता पढ़ लो यार, यू कैन विन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ही कहीं ना कहीं से श्लोक उठा के अपने आप को मोटिवेट करके कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने ये श्लोक महाभारत से उठाया, वो ये नहीं बताते कि उन्होंने ये श्लोक गीता से उठाया, वो ये नहीं बताते कि मैंने ये चीज़ तो सुभाषितनी रत्नाकर से पढ़ा, नहीं तो क्या होगा, पोल खुल जाएगी, अरे ये तो गीता पढ़ता है यार, इसकी बकवास कौन सुनेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं ये बात बताता आपको, श्लोक नहीं बताता तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते, और जैसे ही मैं आपको स्रोत बता देता हूँ आप मुझे बहुत हल्के से लेते हो, ठीक है। क्योंकि ये मानव का स्वभाव है कि मानव को जब तक हम झूठ ना बोलें, उसको छुपाएं ना, तो मज़ा ही नहीं आएगा, और उसको जैसे ही सत्य बताए तो फिर वो बोलेगा अरे गीता, अरे महाभारत, वही चीज़ है। तो ये मैं जो श्रृंखला है ये मेरी लगातार चलने वाली है, और एक दो श्लोक की होगी और इसमें हमारी बोलने की आज़ादी होगी, चिकलतबाजी नहीं होगी। पदम पदम यद विबदाम, ऐसे कौन सा काम है दुनिया में जिसमें विबदा नहीं आती है, अरे विबदा आएगी यार, अप डाउन जीवन में। देखो चंद्रमा महाराज से सीखो, अपने चरणों में चलते हैं, अपने नक्षत्रों में चलते हैं, 1 इंच इधर ना उधर। सूर्य महाराज से देखो, सुबह बिल्कुल उदित हो जाते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं, कितने नियमित हैं। क्या किसी से पैसे लेते सूर्य महाराज, क्या कोई भेदभाव करते हैं, सबको देते हैं रोशनी। चंद्रमा अपनी शीतलता, चंद्रमा महाराज अपनी शीतलता सबको देते हैं, कभी भेदभाव करते हैं, नहीं देते, ठीक है। तो चंद्र और सूर्य से आप सीखो। आगे एक मेरा वीडियो सूर्य महाराज पे ही बनने वाला है, ठीक है, पहले उसको लगाने वाला था मैं, मुझे लगा कि यार ये मेरा इसका मटेरियल 2-3 दिन से बना पड़ा था, इसको लगा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो मैंने लिमिटेड दायरे में रखा था, लेकिन आगे का पूरा पार्ट ये बेरोजगारों के लिए समर्पित हो गया,
और धर्म प्रेमियों के लिए समर्पित हो गया, ओशो समर्थकों के लिए समर्पित हो गया, कार्ल मार्क्स से जुड़े लोगों के लिए समर्पित हो गया, और तो और जो चार्वाक फिलॉसफी के मानने वाले उनको लिए समर्पित हो गया, और तो जिनका वैज्ञानिक टेम्पर है उन लोगों के लिए समर्पित हो गया, जो जो जिनका दिमाग मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत खुला हुआ, खुले विचार के लोग हैं उन लोगों के लिए समर्पित हो गया। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा दिमाग को खोलो यार, दिमाग के ढक्कन मत बंद करो यार, बिल्कुल जहाँ से भी कोई अच्छी बात मिले उसको ग्रहण करने में 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो जाए, अभी तो यूट्यूब महाराज है, तमाम ज्ञान हमको दे रहा है, तो यूट्यूब को हम बार बार सलाम करते हैं, यूट्यूब का जो क्रिएटर है उसको बार बार सलाम करते हैं, नहीं तो क्या कॉलेज का प्रोफेसर हमको ऐसे बताता, क्या आश्रम में जाके कोई गीता का हम श्लोक का के बारे में जानना होता तो क्यों वो वहाँ आश्रम का जो मठाधीश है वो निकल के हमको बताता, नहीं महाराज जी तो सो रहे हैं, घुसना नहीं। ठीक है, तो गीता ने काफ़ी हमको, यूट्यूब ने काफ़ी हमको पावरफुल बनाया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की है, और पता नहीं यूट्यूब की ये जो तरक्की है, यूट्यूब में इतना लिटरेचर है, इतना सारा चीज़ डला हुआ है, कभी यूट्यूब ये ना बोल दे यार कि अब तो पैसे लगेंगे, और वो दिन दूर नहीं है यूट्यूब बोलेगी तुमको कुछ पैसे देने पड़ेंगे तभी मैं कुछ वीडियो देखने दूंगा, नहीं तो इतने घंटे वीडियो देखने दूंगा, नहीं तो इतने घंटे वीडियो को पैसे लगेंगे। ठीक है, या कुछ खास किस्म के वीडियो हैं जो यूट्यूब से खूब अर्न करते हैं उनके बारे में कह देगा, नहीं ये इस प्रकार के यूट्यूब के पैसे देखने तो आपको कुछ पैसे कटेगा, ऐसे यूट्यूब की योजना बनने वाली है। तो हम जैसे लोगों को यूट्यूब बोलेगी नहीं हम तुमको कुछ भी एडवर्टाइज का पैसा नहीं देंगे। ठीक है, वीडियो बनाने में लगती काफ़ी मेहनत, तो हम लोग काफ़ी उस समय हम लोग काफ़ी तकलीफ में हो सकते हैं कि यूट्यूब बोलेगी नहीं आपके वीडियो पब्लिक तक तब जाएंगे जब हमको कुछ पैसा दें। ठीक है, और पब्लिक को भी कहेगी अब आप हमको आपको वीडियो तब दिखाएंगे जब हमको कुछ पैसे दो, ये बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया है, कोई भी कंपनी आजकल फ्री का सॉफ्टवेयर किसी को नहीं दे रही है, बंद कर देती है, थोड़ा सा देती है, 4 दिन का ट्रायल कर लो, 15 दिन का ट्रायल कर लो, बंद कर देती है, फुकट का कुछ नहीं मिलने वाला। चलता हूँ आगे, मोटिवेशनल था मेरा, इसमें मेरी आज़ादी होगी बोलने की, है ना, मेरे को जो लगे बोलूँगा। वो एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में तो बड़ा लिमिटेड दायरा होता है यार, आदमी एक एक शब्द तोल के, एक एक शब्द तोल के कितना बोलेगा तोल के यार। हरे कृष्ण।